7 जनवरी को प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में बूट कैंप 2022 के साथ 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री 4.0 की ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस मुख्य विषय पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर के शोधार्थियों एवं शिक्षाविदों का समागम है। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 8 से 10 जनवरी तक चलेंगी, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मानव संसाधन प्रबंधन और जनरल मैनेजमेंट पर आधारित रहेगा। इस दौरान बेस्ट थीसिस प्रेजेंटेशन में 2 दिनों तक 10 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हिमांशु जैन का कहना है, ये दौर कठिन जरूर है, लेकिन आज के युवा इस दौर में अपने आप को साबित कर रहे हैं, साथ ही प्रेस्टीज भी उन प्रतिभाओं को उभारने में लगा हुआ है। सर, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि इंडस्ट्री 4.0 और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताती है। ये इसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबकी तरफ से रिसर्च पेपर्स आए हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगा, और एक आखिरी दिन में एक इन्होंने प्रतिस्पर्धा भी रखी हमने, जिसका पेपर सबसे अच्छा होगा उसको एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। कैश प्राइज ऑफ 10,000। इसके साथ ही प्रेस्टीज संस्थान में बच्चों को टिप्स देने के लिए जाने माने मैनेजमेंट गुरु एन रघु रमन और मोटिवेशनल निर्मल भटनागर ने मोटिवेटेड करने का काम किया। मैनेजमेंट गुरु एन रघु रमन ने कहा कि बच्चे स्कूल से निकलने के बाद सोचते हैं कि फ्रीडम है, लेकिन कॉलेज में उनके 4 साल उनके 40 साल की नींव है, इसी से उनका कैरियर सेट होता है। ये बच्चों को समझना होगा। जब बच्चे कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में जब पहला कदम रखते हैं, तो जनरली उनको ऐसा लगता है कि एक आज़ादी मिली है उनको, क्योंकि पहले 12 साल या 10 साल स्कूल में रहने के बाद, स्कूल की जो एक डिसिप्लिन में रहने के बाद, कॉलेज ऐसा लगता है कि एक फ्रीडम वर्ल्ड है जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं भी करेंगे तो पूरी दुनिया को देख सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आम तौर पर बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये जो 4 साल जो भी वो निकालते थे या 4 साल जो भी निकालते हैं, ये जो 4 साल है वो उनकी 40 साल का नींव है। अगर उनके 40 साल की करियर को सेट करना है तो इस 4 साल के ऊपर उनको मेहनत करना पड़ेगा, एंड इफ़ दे कॉन्सेंट्रेट बेटर देयर सक्सेस रेट इज़ हायर। अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे और इस पर्टिकुलर टाइम को वो अगर स्पेंड कर देंगे मॉल्स में घूमने में, करना चाहिए, मैं ना नहीं कहता, मीन्स बच्चों को ये सारी एंजॉयमेंट भी करनी चाहिए, बट उसकी एक लिमिटेशंस होती है। आपकी फोकस स्पेशलाइजेशन में होनी चाहिए जो भी आपने चूज़ किया है, बीकॉम, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, एमबीए, जो भी आपने चूज़ किया है उस स्पेशलाइजेशन को अगर आप कॉन्क्रीट कर लोगे तो आपकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रहेगी। यही मेरी फोर्स रहेगी आज की बात में, और मैं बच्चों को यही समझाने की कोशिश करूंगा कि यस दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। सी, कोविड इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ, दो 1919 में भी आया था, 2020 में भी आया है, तो हर 100 साल में कुछ ना कुछ तो आपके पास बीमारी आती रहती है, तो कोविड विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर अ लॉन्गर टाइम, मे बी पॉकेट्स में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को उस इम्पीडिमेंट्स के साथ, यानी कि वो जो हर्डल्स है उसके साथ अगर उनको अगर क्रॉस करना है तो वो सीखेंगे। और ये बात मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बच्चे हमारे जो जनरेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बस इतना ही है कि उनको थोड़ा सा हम लोग बड़े होने के नाते या माता पिता होने के नाते थोड़ी सी उनको एक बता दे कि किस कॉर्नर में नहीं जाना चाहिए, कैसे फ्लो होना चाहिए, उतना बता देंगे तो वो कैप्चर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फंडामेंटल मैनेजमेंट अगर हम उनको सिखा दिए तो दे विल शाइन। वो फंडामेंटल मैनेजमेंट ही मिसिंग है कहीं ना कहीं हमारी होल सिस्टम पे। वहीं मोटिवेशनल निर्मल भटनागर का कहना था कि आंकड़े बताते हैं 2032 में 50% कंपनी बंद हो जाएंगी, इसलिए इंडस्ट्रीज में जॉब खत्म हो जाएंगी। ऐसे में भविष्य पर फोकस करना है तो इंडस्ट्रीज और एजुकेशन के गैप को खत्म करना होगा। देखिए, मेरा यह मानना है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए। एक आंकड़ा बताता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मतलब अभी हम लोग 2022 में हैं, 2032 तक, 2035 तक जो आज फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, इसमें से 50% कंपनी डिसॉल्व हो जाएंगी, मतलब हमें पता ही नहीं पड़ेगा ये कहाँ गई। एक IBM ये बताता है कि आने वाले समय में
2045 तक इंडस्ट्रीज़ में इतना चेंज होने वाला है कि 85% जो जॉब्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे जो हम आज देख रहे हैं, लेकिन आएंगे क्या हमें उसके बारे में भी पता नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज कौन सी चीज़ है जो भविष्य में आपको पता पड़ेंगी। तो हमें एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उस गैप को पूरा करने के लिए काम करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी बदल नहीं सकती हैं, जैसे एक ह्यूमन टच, ह्यूमन नज़रिए से लोगों को देखना। तो हमें एजुकेशन में इन सब चीज़ों को बताना होगा। देखिए, रिसर्च पेपर्स जो हैं, करीब 200 रिसर्च पेपर्स इस कॉन्फ्रेंस में पढ़े जाएंगे और 8 तारीख को और 9 तारीख को सेशंस चलेंगे अलग अलग ट्रैक्स में, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में। इनमें से चुनिंदा रिसर्च पेपर्स को एक कंपटीशन के अंदर लेके जाया जाएगा और उसमें से जो बेस्ट उभर के आएगा वो हमको 9 तारीख की शाम को ही पता चलेगा। इंडस्ट्री ने अभी तक 3 रेवोल्यूशंस देखे हैं। सबसे पहला जब स्टीम से एनर्जी बनाई गई, उसके बाद आया ऑटोमाइजेशन का, फिर आया डिजिटलाइजेशन का। जो इंडस्ट्री 4.0 है ये डिजिटलाइजेशन को एक कदम आगे लेके जाती है और हम ऑटोनोमस वर्किंग की बात करते हैं। अगर एक रोबोट की आर्म है तो वो अपने आप वो काम करे, इससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, कॉस्ट्स बहुत कम होंगी। साहब खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। आज इंडस्ट्री 4.0 सर खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कई जगहों पर और उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।